English teacher, and today I am back with another chapter. But first of all, let me make sure that you did complete your first chapter. ठीक है, आप लोगों ने अपना first chapter complete कर लिया? Good. और अगर आप लोगों ने अपना first chapter complete नहीं किया, complete it as soon as possible, जल्दी से complete करें ताकि हम chapter number 2 की तरफ आप अपना notebook पे काम complete कर सकें. Clear? Okay, so today we are starting from chapter number 2, that is safety for all. Unit number 2, safety for all. What does safety for all mean? Safety for all mean ki sab logon ke liye tahaffuz. Theek hai? Okay, let's start with reading. Main read karungi, then I'll explain you the paragraph. And you will understand if you have any problem, underline the word and check the, अगर मैं उसका meaning नहीं भी बताती, underline the word and search it out in the dictionary later, okay? Okay. Every day we have to use the roads to get to school, to the shops or to meet our friends. Whether we are walking, riding our bicycle, traveling around or crossing the road, it can be dangerous. Here are some tips on staying safe. Remember, we are the only one who can really protect ourselves. Okay, so जो author है वो basically आपको बताना चाह रहा है कि आपने अपना तहफ्फुज़ कैसे करना है, आपने खुद को कैसे protect करना है, ठीक है? क्योंकि हम खुद ही हैं जो खुद को protect कर सकते हैं. हम अपने आप को ज़्यादा protect कर सकते हैं बजाय इसके कि हमारे parents हमें protect करें, क्योंकि they are not with us all the time. ठीक है, वो हमारे साथ हर वक्त नहीं होते, हमें खुद को खुद प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, ओके. सो एवरी डे हमें रोज़ाना जो है वो रोड्स यूज करने होते हैं, शॉप पे जाने के लिए, मार्केट पे जाने के लिए, खेलने के लिए, स्कूल जाने के लिए. ठीक है, तो बेशक हम अपनी बाइसाइकिल जो है वो चला रहे हों या फिर हम अपने यू नो पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हों, सो वी यूज रोड. ठीक है, तो ऑब्वियसली रोड पे रहना, क्योंकि रोड पे कार्स होती हैं, बाइसाइकल्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स होते हैं, ठीक है, तो वो डेंजरस हो सकता है. तो इस वजह से हमें अपने आप को खुद महफूज बनाना है. सो दैट इज़ वाई हम कुछ ऐसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी जिससे यू कैन सेव योर सेल्फ, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ओके ओके, सो द फर्स्ट हेडिंग इज ऑन फुट. ठीक है, अब आप बेसिकली यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हम जब पैदल हों, जब हम वॉक करें, तो फिर हमें क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स. ओके, सो सिंपल स्टेप्स टू रिमेंबर. फर्स्ट वन इज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग. इफ देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फाइंड अ सेफ प्लेस टू क्रॉस द रोड. हमें रोड पे अपनी जब भी हम वॉक कर रहे हो तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज करना चाहिए. ठीक है, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें खुद फाइंड आउट करना चाहिए कि कहाँ पे ऐसी जगह जहाँ से हम आराम से सेफली वहाँ से मूव कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस इज स्टैंड ऑन द पेवमेंट नियर द कर्ब एंड लुक अराउंड फॉर ट्रैफिक. सो जब हम वॉक पे हों और हम फुटपाथ पे जो है वो फुटपाथ से हम वॉक करें, बट वी नीड टू क्रॉस द रोड. ठीक है, तो हम पेवमेंट पे, यू नो दिस इज द पेवमेंट. ठीक है, दिस इज पेवमेंट. तो क्या होगा, और जो कर्ब है वो बेसिकली ये चीज होती है. ठीक है, दिस इज द कर्ब एंड दिस इज द रोड. सो हम इसके पास खड़े हो, इस चीज के पास खड़े हो हम यहाँ पे, ताकि हम बैठ यहाँ पे खड़े होकर ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर सके कि ट्रैफिक ज्यादा है या कम है. ठीक है, हम अगर ट्रैफिक कम है तो वी विल क्रॉस द रोड, otherwise you will stand over there and wait for the traffic to stop. Okay, third one is wait until it is safe to cross. If traffic is coming, let it pass. तो मैंने आपको बताया कि वहां पर रुके, observe करें, अगर traffic कम है तो फिर move करें, otherwise stand over there. Okay, look and observe. If there is no traffic nearby, walk straight across the road. ऑब्जर्व करें, अगर ट्रैफिक आसपास नहीं है तो रोड पे मूव कर जाएं. ठीक है, कीप लुकिंग एंड लिसनिंग फॉर ट्रैफिक व्हाइल क्रॉसिंग द रोड. तो क्रॉस रोड क्रॉस करते हुए भी यू हैव टू ऑब्जर्व कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितनी स्पीड है उस
protect yourself. Okay. The next one is on a bike. साइकिल अब बेसिकली ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जब बाइक पे हो तो आप कैसे जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. साइकिलिंग कैन बी अ लॉट ऑफ फन बिफोर वी सेट ऑफ. ऑलवेज रिमेंबर दीज पॉइंट्स. द फर्स्ट वन इज वी शुड नॉट राइड अ बाइसिकल ऑन द रोड अनलेस वी हैव बीन ट्रेन्ड. तो हमें सबसे पहले तो हमें अगर हम ट्रेन नहीं है, अगर हमें यू नो बाइसाइकिल, अगर हमें बाइसाइकिल चलानी नहीं आती तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बाइसाइकिल चलाने की. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन योरसेल्फ, अपने आप को यू नो अपने आप को सिखाएं कि कैसे हम साइकिल चला सकते हैं. आपके जो बड़े भाई हैं या आपके जो फादर हैं वो आपको साइकिल चलाना सिखाएं, देन यू कैन राइड योर बाइसिकल. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू राइड योर बाइसिकल. वाई? बिकॉज आपको बैलेंस नहीं रहेगा एंड यू विल फॉल डाउन. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज मेक श्योर दैट आवर बाइसाइकिल इज सेफ टू राइड. अब सेफ टू राइड होने का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि वो कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि वो राइड सेफ है कि नहीं है. ठीक है. हमें सबसे पहले ब्रेक्स देखनी है कि द ब्रेक्स आर वर्किंग और नॉट, क्योंकि अचानक से आगे कोई भी चीज़ आ जाती है और हमें ब्रेक लगानी होती है. हमें उस अगर हमारे ब्रेक काम ही नहीं करे तो हम क्या करेंगे. ठीक है. हमारा तो बिल्कुल हम भी गिर जाएंगे, जो अगला बंदा होगा वो भी, आपके आगे कोई बच्चा खेल रहा है वो भी गिर जाएगा. ठीक है. उसको भी लग जाएगी चोट. तो भाई हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ब्रेक्स वर्क कर रही है बाइसाइकिल की या नहीं कर रही. ठीक है. और उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि जो टायर्स है वो पम्प्ड अप हैं कि नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पम्प्ड अप? आई नो दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पम्प्ड अप. तो हम पम्प्ड अप बेसिकली हम, क्योंकि जो आपके टायर्स हैं, जो बाइसाइकिल के टायर्स हैं, उनमें हवा भरी होनी चाहिए. ठीक है. ताकि ये ना हो कि वो आप जब चला रहे हो तो आपके जो टायर है वो फ्लैट हो जाए, आपकी साइकिल भी गिर जाए और साथ आप भी गिर जाए. ठीक है. वी मस्ट स्टॉप फॉर पेडेस्ट्रियंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडेस्ट्रियंस? यस, द पीपल हु आर गोइंग ऑन फुट. ठीक है. यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, यू आर द पेडेस्ट्रियन. ठीक है. सो बेसिकली जो पेडेस्ट्रियन होते हैं वो किस पे, पेवमेंट पे मूव करते हैं. ठीक है. क्योंकि उनके लिए ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं आती. और गाड़ी क्यों नहीं आती? क्योंकि एटलीस्ट इसकी जो हाइट होती है रोड से वो 15 सेंटीमीटर होती है. ठीक है. ये रोड से 15 सेंटीमीटर ऊपर होता है जिसकी वजह से इस पे गाड़ी नहीं आ सकती और आप यहाँ पे आराम से मूव कर सकते हो. ठीक है. ओके. द लास्ट वन इज, नो द सेकेंड लास्ट वन इज ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स. अब ट्रैफिक सिग्नल्स को हम कैसे ओबे कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइक वी आर मूविंग. ठीक है. और रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल है. ठीक है. तो अगर रेड सिग्नल है तो हम वॉक कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रेड सिग्नल पे द कार्स आर सपोज टू स्टॉप. ठीक है. कार्स रुकी हुई होती है रेड सिग्नल्स पे तो हम आराम से रूट क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन अगर सिग्नल येलो है या ग्रीन है तो यू शुड स्टॉप एंड द कार्स विल मूव. ओके. सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ. लास्ट वन इज ऑलवेज कंट्रोल द स्पीड. तो आपने जो है वो अपनी बाइसाइकिल पे अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. हमने आज हमने सिर्फ एक पेज कंप्लीट किया. ठीक है. वी हैव अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स आउट ऑफ इट एंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर रिटन ओवर हियर एज वेल. मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. ठीक है. फर्स्ट वी विल डू द डिक्टेशन वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज डेंजरस. डी ए एन जी ई आर ओ यू एस डेंजरस. पेवमेंट पी ए वी ई एम ई एन टी पेवमेंट. रिमेंबर आर ई एम ई एम बी ई आर रिमेंबर. रिमेंबर मतलब याद रखना. कर्व के ई आर बी कर्व. द वन आई टोल्ड यू before. Pumped up. P-U-M-P-E-D. Pumped. U-P up. Pedestrian. P-E-D-E-S-T-R-I-A-N. Pedestrian. Traffic. T-R-A-F-F-I-C. Traffic. Riding. R-I-D-I-N-G. Riding. Okay. So these are the dictation words. And now coming to the word meanings. We have this first word, dangerous.
डेंजरस का क्या मतलब है कि कोई चीज आपके लिए हार्मफुल होना, कोई चीज आपके लिए यू नो गलत होना, खतरनाक होना, ठीक है, जो कि आपको आपको रिस्की होना, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है, खतरनाक हो आपके लिए. द नेक्स्ट वर्ड इज पेवमेंट. पेवमेंट मीन्स फुटपाथ. ये चीज जो फुटपाथ होता है, वेयर द पेडेस्ट्रियंस क्रॉस, वेयर द पेडेस्ट्रियंस वॉक. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कर्व, द एज ऑफ द रेस्ड पाथ ऑफ पेवमेंट. ठीक है, दिस इज द रेस्ड पाथ ऑफ द पेवमेंट, सो दिस इज कॉल्ड द कर्व. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज पंप्ड अप. पंप्ड अप, पंप्ड अप मीन्स टू फिल समथिंग विद एयर यूजिंग पंप. ठीक है, अब आप अपने टायर को पंप अप करते हो, सो बेसिकली आप अपने टायर को एयर, टायर में आप एयर यू नो फिल कर रहे हो ताकि वो आपको अपनी बाइसिकल राइड करने में आसानी हो. ठीक है, द लास्ट वर्ड इज पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन मीन गोइंग ऑन फुट. द पीपल हु आर गोइंग ऑन फुट आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन. क्लियर? ओके, सो दैट okay, so we are done with these word meanings and dictation words today. Remember, ये सिर्फ आपका एक पेज का काम है. ठीक है, एक पेज के डिफिकल्ट वर्ड्स है और एक पेज के ही वर्ड मीनिंग्स हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अगला पेज इसका रीड आउट करेंगे, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड और मीनिंग्स का निकालेंगे. क्लियर? ओके, सो राइट डाउन द डायरी फॉर टुडे. Learn the word that is done in class today. Okay? आज आपने जो भी काम किया, you have to learn it. Clear? Okay, so this is it for today. I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. If you are not getting anything, ask me in the group right away. ठीक है? नहीं समझ आया, मुझसे अभी पूछें. और I hope you are enjoying your Ramzan. बहुत अच्छे से आप लोग इबादत भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे. And best of luck. और अल्लाह हाफिज. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें.